Yes. Amok, Amok sir has come. Hello, Amok. हेलो सर। अरे बाप रे, हेलो सर, गुड इवनिंग। अब एक्चुअली बच्चे आपको ही वेट कर रहे थे, आपको आपसे ही मिलने का और आपसे ही गाइडेंस लेने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो अमोक, सबसे पहले मैं बच्चों का कंसर्न, बच्चों सबसे पहले आप लोगों की कंसर्न क्या है? साकेत बेटा, आप लोग के कंसर्न सबसे पहले बताइए क्या है सीएस प्रोफेशनल को लेकर। सर मेरा अभी फर्स्ट कंसर्न यही है कि अभी मेल आया एक्चुअली कि जो बच्चे 30 नवंबर से पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे वो एप्लीकेबल हैं तीनों ग्रुप देने के लिए जून में। तो मेरा वही सजेशन है सर कि मतलब मैं सोच रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटी है तो एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए। तो ही मैं गाइडेंस चाह रहा हूँ सर सर से कि कैसे मैं उस चीज को अचीव करूँ। अमोग, इनका कहना यही है कि 30 नवंबर के पहले अगर रजिस्टर करते हैं तो जून में ये तीनों ग्रुप दे सकते हैं। तो आपको क्या लगता है अमोग कि मतलब जून में तीनों ग्रुप देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मतलब आपने मुझे एक प्लान भी भेजा था तो। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सॉरी थोड़ा ज्वाइनिंग करने के लिए लेट हो गया। एक क्लाइंट कॉल थोड़ा स्ट्रेच हो गया, सो आई कुड नॉट ज्वाइन इन टाइम। अभी इनका जैसे सवाल है तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि नाउ दिस इज वी आर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। सो हार्डली मीन्स आप अगर जून एग्जाम का सोचते हो सो यू हैव हार्डली 7 to 8 months। इफ यू आर टू प्रिपेयर फॉर 9 subjects विथ द लेवल ऑफ डिटेल विच इज रिक्वायर्ड एट द प्रोफेशनल लेवल, वो टाइम आपके लिए थोड़ा सा कम हो सकता है। सो मेरा सजेशन ये रहेगा कि तीनों ग्रुप देने चाहिए, जरूर देने चाहिए, बट प्रेफरेबली वो तीनों ग्रुप दिसंबर में आप अगर दोगे तो आपकी सक्सेस के चांसेस थोड़े से ज्यादा है। बिकॉज इसमें आपको अगर एक सक्सेसफुल एग्जाम देना है तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि एक बार आपका पूरा कंप्लीट सेल्फ स्टडी आफ्टर टेकिंग ऑल द क्लासेस और उसके बाद आपका एक खुद का रिविजन ये होना चाहिए। इसमें ऑफ कोर्स आपका राइटिंग प्रैक्टिस है, आपके फ्लैश कार्ड्स है या और कुछ अगर आप मेमोरी ट्रिक्स यूज कर रहे हो तो वो सारा है। सो वो जून एग्जाम के लिए तीनों ग्रुप के लिए कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। और कैसे हो जाता है कि जब ऐसा प्रेशर पड़ता है कि जून एग्जाम में ही तीन ग्रुप देने हैं तो द चांसेस ऑफ समथिंग गोइंग रॉन्ग, यानी आप अगर खुद इफ यू फॉल इल, बिकॉज इफ देर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर द इम्यूनिटी गोज डाउन, तो आपके बीमार होने की संभावनाएं भी ज्यादा रहती है। तो मैं एडवाइस ये करता हूँ कि थोड़ा सा ज्यादा टाइम लो बट अच्छे से प्रिपेयर करो, बिकॉज दिस विल ले द फाउंडेशन ऑफ योर एंटायर प्रोफेशनल लाइफ। सो माय सजेशन वुड बी आप दिसंबर में तीनों ग्रुप के बारे में सोचिए। साकेत वही सर कह रहे हैं कि आप दिसंबर में ही तीनों ग्रुप के बारे में सोचिए। रीज और अमोक सर खुद भी AIR 7 है सीएस प्रोफेशनल में, और तो मेरे ख्याल से और अमोक इस मामले में ना सबसे अच्छा गाइडेंस इसलिए दे सकते हैं अमोक सर। रीजन ये है कि अमोक सर इज एक्चुअली इनटू प्रैक्टिस और ही इज इनटू एडवाइजरी, और एक्चुअली लोग उनके साथ आर्टिकलशिप करते हैं और ही इज वेरी स्टूडियस, मतलब वो बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं। तो उनकी स्ट्रेटेजीज मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं सुपान सर या कल्पक सर ओपिनियन दें तो वो बायस्ड हो सकता है, मतलब कहीं ना कहीं हम लोग अपने हितों को ध्यान में रख के ओपिनियन दें। बट अगर अमोक सर ओपिनियन दे रहे हैं तो समझ लो कि दैट ओपिनियन इज कमिंग फ्रॉम एन इंडस्ट्री, फ्रॉम एन एम्प्लॉयर एंड रादर दी बेस्ट स्टूडेंट। तो मेरे हिसाब से ये चीज, तो अमोक सर का कहना वही है कि अगर तीनों ग्रुप अगर आपको देने, अगर आपकी मंशा है कि यू वॉन्ट टू अपियर फॉर ऑल थ्री ग्रुप्स, आप दिसंबर में अगर दें तो वो ज्यादा अच्छा। और मेरे हिसाब से भी आपको मतलब उतना टाइम चाहिए यार, क्योंकि हम मैंने भी तीनों ग्रुप एक साथ क्लियर किए थे फाइनल के। तो मेरे हिसाब से कम हर एक मॉड्यूल को कम से कम 4 बार, या जो भी आपकी इंस्टीट्यूट का मटेरियल है, 4 से 5 बार मेरे ख्याल से आपको पढ़ना पड़ता है यार। तो वही चीज मैं कहना चाहूंगा कि ये चीज थोड़ा सा सोचें सब लोग, क्योंकि वो क्या होता है अभी इतना प्रेशर है, इतना जोश है कि ऐसा लगता है कि नहीं यार यहाँ पे क्लियर हो गया तो बस ऐसे ही हो जाए। एंड फाइनल इज वास्ट, हमको क्या लगता है फाइनल वास्ट है क्या? बहुत रादर वास्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग है,
और काफी सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ आपको ये पूरा समझना चाहिए, सो दैट आपको ये सारे स्किल्स अभी अक्वायर करने हैं. सो इट इज नॉट लाइक कि आपको बस एग्जाम लिखना है खत्म करना है, या आपको आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए जो स्किल्स चाहिए है वो आपको स्किल्स डेवलप करने हैं. दिस इज द लास्ट स्टेज वेयर समवन इज गोइंग टू टीच यू. आफ्टर दिस वंस यू ज्वाइन आर्टिकलशिप, ऐसा प्रिज्यूम किया जाता है कि आपने सीएस फाइनल क्लियर किया है, आपको सब पता है. So, आपको सीखने की ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है एज फार एज सी एस इज कंसर्न. सो माई सजेशन विल बी इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कीजिए. आपका जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं कि सपोज कुछ कुछ लैंडमार्क केसेस चल रहे हैं, डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, उसके बारे में ज्यादा जानिए, ज्यादा पढ़िए. सो इन एडिशन टू योर मॉड्यूल ऑल्सो यू कैन डू अ लॉट ऑफ वैल्यू एडिशन. If you are appearing for December, if you are appearing for June, then it will be a little on the tougher side. I'm not saying it is impossible, but thoda tough ho jayega. Aur classes aap immediately shuru kar sakte ho. Like classes shuru karna aur kaun si isme exam deni hai, us in dono ko combine na kare to acha hai. Sapan sir, what's your opinion, sir? सर मुझे क्या लगता है कि यानी ये जो हेलो हेलो आप दिख नहीं रहे हो सर. वीडियो ऑफ है, वीडियो ऑन ऑन कर दीजिए ना सर. ओके मैं दिखाई नहीं देता. ठीक है सर, कर देता. एक मिनट सर, एक मिनट, आई विल जस्ट स्विच इट ऑन. ओके अभी दिखाई दे रहा हूँ सर मैं. यस सर. ओके सर, देखो मेरा ओपिनियन क्या है. अपन यानी बच्चे यानी अमुक सर ने जो ओपिनियन दिया है वो बिल्कुल सही है, एकदम सटीक ओपिनियन दिया है. बट व्हाट आई फील इज दैट कि बच्चे जून का अटेम्प्ट देने की कोशिश तो करेंगे ही सर, क्योंकि यानी सारे बच्चों का पोटेंशियल तीनों मॉड्यूल एक साथ देना नहीं बनता सर. तो इसके लिए 80% क्राउड ऐसा होता है जो एट ए टाइम दो मॉड्यूल के बारे में सोचता है. बिल्कुल बिल्कुल. तो इसके वजह से इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर अपन उनको गाइड करें कि अगर इफ दे वांट टू गिव एनी टू मॉड्यूल्स इन जून तो कौन से दो मॉड्यूल्स देने चाहिए, क्योंकि एक मलाल बच्चों के मन में जरूर रहती है कि 8-9 महीने अपन वेस्ट करेंगे. यानी उन अगर समझो दिसंबर में तीनों मॉड्यूल एक साथ देते हैं और एक भी मॉड्यूल क्लियर नहीं करता तो फिर 1.5 साल चले जाएगा. तो उससे अच्छा एक शॉट जून में देख के उसके बाद वही एक्सपीरियंस अपन दिसंबर में कैरी करते हैं तो फिर उससे क्या होगा. आदित्य म्यूट कर दे बेटा. सर आप अपने एंड से म्यूट कर दो. हाँ हाँ मैं म्यूट कर. हाँ सुनाई दे रहा है. हाँ सर. तो यही तो यानी शायद कितने लोगों को जून में अटेम्प्ट देना ही है, ऐसे कितने लोग हैं यहाँ पे. देना है सर, जून में देना है लेकिन दो मॉड्यूल लेने. मैंने सोचा है. ओके देना है. ओके सर दिमाग के एग्जाम नाम लेके बता सकता है यानी कौन. सर जून में दो मॉड्यूल देने हैं. शुभांगी सेइंग कि उसको जून में दो मॉड्यूल देना है. यस और सर मैं भी जून में दो मॉड्यूल का ही सोच रही हूँ, सेकंड और थर्ड. दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट. और अमोक सर ने भी ये पहले ही क्लियर किया है कि अगर आप सेकंड और थर्ड मॉड्यूल एक साथ देते तो आपको सिनर्जी का बहुत ज्यादा फायदा मिलता है. तो मतलब यहाँ पे मेजोरिटी स्टूडेंट जो है वो अच्छा देवांशु आपका कोई क्वेश्चन था, आप कुछ पूछ रहे थे. हाँ देवांशु. मुझे भी लाइक जून में थ्री मॉड्यूल ट्राई करना है. लाइक भले ही लाइक पता है नहीं होगा बट फिर भी ट्राई करने में क्या जाता है. लाइक ट्राई तो कर सकते हैं ना अपन पूरा लगा के. एटलीस्ट डिसिप्लिन में रहेंगे. अभी अगर हम दिसंबर का सोचेंगे सर हमें लगेगा 14 महीने हैं, बाद में चालू करेंगे 2-4 महीने बाद क्या फर्क पड़ेगा. वो थोड़ा एक माइंड सेट आ जाता है दिमाग में बहुत लेट है. 14 महीने क्या करेंगे, 14 महीने पढ़ के उतना अपने दिमाग में वो आ जाता है. अपन थोड़ा डिसिप्लिन नहीं रहेंगे 14 महीने. अभी अगर 8 महीने समझो एटलीस्ट 8 महीने में अगर 3 मॉड्यूल की प्रिपरेशन भी कर ले हम लोग, भले ही एग्जाम ना लिया एटलीस्ट प्रिपरेशन भी कर ले जून तक करना है बोल के. हाँ, एटलीस्ट डिसिप्लिन भी स्ट्रिक्ट रहेगा ना थोड़ा. तो वही बात है सर, वरना फिर से हम लोग फिर से टाइम पास करने लगेंगे. कुछ तो इंस्टा होगा, गेम खेलेंगे, घूमेंगे, कोई नहीं चाहिए सर. फिर से डिस्ट्रैक्शन आ जाएगा बहुत ज्यादा अगर दिसंबर सोचेंगे तो, क्योंकि बहुत लेट लग रहा है दिसंबर को.
बिल्कुल बिल्कुल कल और एग्जीक्यूटिव का भी वैसा ही हुआ था, हमको 8 ही महीने थे तो हम तो थे डिसिप्लिन में, 8 महीने थे गुड के छूट पे भी जैसे अभी देवांशु ने बोला, आई थिंक कि ठीक है अगर आप इन लोगों को कॉन्फिडेंस है तो 3 ट्राई करने चाहिए, बट आई थिंक कि 2 तो श्योरली दे ही सकते हैं। जैसे अमोक सर ने बोला सेकंड और थर्ड के लिए अगर एक साथ प्रिपेयर करे तो 7-8 महीने सफिशिएंट फॉर देम फॉर बोथ ग्रुप्स, और अगर कुछ लोगों को उसमें लगता है कि थर्ड भी देना चाहिए तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो एग्जाम फॉर्म मत भरना उसका, बट ट्राई तो कर ही सकते हैं तब के लिए। फिर उन्हें हेक्टिक लगता है मतलब जब वो क्लासेस में आएंगे या फिर पढ़ाई शुरू करेंगे तो उन्हें डेप्थ पता चलेगी, तब वो डिसाइड कर सकते हैं 2 देने हैं या 3 देने हैं। बट दिसंबर तक सर 14 मंथ्स, इतने पेशेंस मुझे नहीं लगता ये लोगों में भी रहेंगे फिर, ये इतना ईमानदारी से दिसंबर तक पढ़ेंगे नॉन स्टॉप। वो भी है। दो ग्रुप तो मेरे को लगता है करने ही चाहिए। क्लासेस एक दो महीना क्लास में आ गए और एक दो बार मॉड्यूल देख लिया कि उनको थोड़ा सा आइडिया आएगा कि क्या डेप्थ है, कितना पढ़ना है और कितने टाइम में हो सकता है। और जैसे देवांशु ने कहा कि मींस इफ दे हैव दिस माइंडसेट कि जून में अपीयर करना है तो वो बहुत ज्यादा पढ़ाई करेंगे, अगर उनकी पढ़ाई होती है तो ग्रेट, वेल एंड गुड। ओके, सो मतलब ऐसा है कि प्रिपरेशन अपन अच्छा, और बेटा प्लीज अरेज प्लीज आप डाउट पूछ सकते हैं। मतलब बोल रहा काव्या आपने हैंड रेस किया था, प्लीज बोलिए बेटा। हेलो सर। हाँ बेटा प्लीज बोलिए। सर मेरे को ये डाउट है अगर LLB स्टार्ट करनी है तो वो कब करनी चाहिए साथ में? आई थिंक अमोक सर सबसे बेस्ट है ये आंसर देने के लिए। अमोक LLB कब स्टार्ट करनी चाहिए? आपका ग्रेजुएशन हो गया ना काव्या? यस सर। ओके So, अगर NLP का अभी आपको एडमिशन मिल रहा है तो आप पहले इंक्वायरी कर लीजिए, बिकॉज थोड़ा सा अभी मैं ये ऑफ द रिकॉर्ड बता रहा हूँ ये बात कि कुछ कुछ कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे अटेंडेंस का क्राइटेरिया बहुत स्ट्रिक्ट होता है, अगर वैसा कॉलेज है तो एक बार आप देख लीजिए कि आपको कॉलेज अटेंड करके पढ़ाई हो पा रही है क्या, नहीं तो कुछ कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं कि सीधे आप असाइनमेंट सबमिट करो, एग्जाम को आओ, दे आर फाइन विद इट। अगर वैसा कॉलेज मिले तो आप इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हो। अगेन आप कॉलेज में भी जो पढ़ते हो LLB के लिए उसका बहुत ज्यादा फायदा आपको CS में भी होता है, बिकॉज दोनों जगह पे बेसिक चीज यही है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, हाउ टू इंटरप्रिट अ पर्टिकुलर प्रोविजन, आप वो LLB में ही सीखने वाले हो, आप वो CS में भी सीखने वाले हो। सो अगर आपका अभी ग्रेजुएशन हुआ है और आपको अगर चांस है तो इमीडिएटली यू शुड स्टार्ट योर LLB, बिकॉज दैट इज समथिंग विच इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, और बाय द टाइम आपका LLB कंप्लीट हो जाए आपका आर्टिकलशिप भी खत्म हो जाएगा। मैंने खुद मेरा आर्टिकलशिप ऑलमोस्ट 21 मंथ्स था बिकॉज ऑफ माय कॉलेज टाइमिंग, तो मैंने मेरा आर्टिकलशिप और मेरा कॉलेज दोनों साथ में ही हैंडल किया था, एंड वो काफी अच्छे से मैनेज होता है। लॉ कॉलेजेस आर मोस्टली इन द मॉर्निंग बिकॉज आफ्टरनून में वो भी आपको एडवोकेट्स के यहाँ पे आर्टिकलशिप करने के लिए टाइम रख देते हैं, सो दैट इज समथिंग व्हिच यू कैन इजीली मैनेज। सर अगर मैं जून में 2 मॉड्यूल्स का कर लूं और बाद में नेक्स्ट ईयर मई में स्टार्ट कर लूं LLB? मई में LLB यानी सॉरी जून में अभी मैं 2 मॉड्यूल्स के लिए कर लूं नेक्स्ट ईयर, तो फिर मैं अगले नेक्स्ट ईयर ही LLB स्टार्ट कर लूं, तो ऐसे प्रोफेशनल का भी हो जाएगा कि थोड़ा मतलब कम हो जाएगा और LLB भी इजीली हो जाएगा। सो मैं वही पूछ रहा था कि LLB के अभी फर्स्ट ईयर के एडमिशंस चालू है आप जहां से कर रही हो? सर एडमिशंस तो ओपन है ऐसे, तो मैं तो यही सोचती थी कि अभी इस ईयर ना करवाऊं एडमिशन, नेक्स्ट ईयर ही करवाऊं ताकि प्रोफेशनल थोड़ा इजीली टैकल हो जाए उसके साथ। यूजुअली LLB का फर्स्ट ईयर काफी ज्यादा हेक्टिक नहीं रहता,
सो आप एक बार कॉलेज का सिलेबस देख लीजिए कि आपको फर्स्ट ईयर में कौन से सब्जेक्ट्स है और आपको कितने डेप्थ के वो लग रहे हैं. बिकॉज आई हैव सीन मेनी पीपल हु पास द फर्स्ट ईयर ऑफ एलएलबी और इवन एनी अदर लॉ कोर्स विद अ लॉट ऑफ ईज. बिकॉज वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा ग्रेजुअली इंटीग्रेट करते जाते हैं आपके मूड कोर्स वगैरह जो थर्ड ईयर में होता है. तो लास्ट ईयर में तो वहाँ पे प्रैक्टिकल के क्लासेस वगैरह ज्यादा होते हैं. सो थर्ड ईयर इज टिपिकली मोर हेक्टिक. तो अभी आप अगर शुरू करेंगी तो बाय द टाइम यू एंटर योर थर्ड ईयर आपका आर्टिकलशिप भी खत्म हो जाएगा. सो इस वजह से मैं एडवाइस करूंगा कि आप थोड़ा पहले एक बार चेक कर लीजिए कैसे सिलेबस है, अटेंडेंस पॉलिसी क्या है. थोड़ा कॉलेज के जो अलुमनाई होंगे उनसे भी बात कीजिए कि कैसे टीचिंग पॉलिसीज है और कितना कोऑपरेट करते हैं. सो दैट वे यू विल बी एबल टू टेक अ डिसीजन. ओके सर, थैंक यू. यहाँ पे हैंड रेस किसने किया है? शुभांगी, आपने आपका क्वेश्चन गार्गी. यस सर. गार्गी और शुभांगी दोनों का है. शुभांगी पहले आप पूछ लीजिए बेटा. सर गुड इवनिंग. सर गुड इवनिंग शुभांगी. सर मुझे पूछना था सर, अगर फर्स्ट और थर्ड मॉड्यूल दे दें तो कोई प्रॉब्लम होगा क्या सर? पहला और तीसरा? यस सर. बेसिकली मेरी यहाँ पे अमोक सर से ही बात हुई थी और नॉर्मली पूरे इंडिया में सारी कोचिंग क्लास वाले यही रेकमेंड करते हैं कि फर्स्ट और थर्ड ही लीजिए. बट अगर आप एक्चुअली एनालाइज करें वो बीच में छुट्टी वगैरह का प्रॉब्लम जो भी है, बट अगर क्राइटेरिया देखें तो आपको सिनर्जी मिलती है सेकेंड और थर्ड में. सेकेंड में क्योंकि सीआर और इंसॉल्वेंसी, और थर्ड में अगर आप ऑप्शनल भी इंसॉल्वेंसी लेते हो तो काफी कुछ यू नो मिल जाता है. फिर मेरे ख्याल से ड्यू डिलीजेंस और अपना रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट में भी काफी कुछ सिमिलैरिटी है. फिर अगर आप देखो तो सीआर जो है मतलब जो आप इंसॉल्वेंसी पढ़ोगे वो वो आपके एमसीडीएस में भी काफी ज्यादा कॉमन है. इंसॉल्वेंसी और एमसीडीएस ये भी काफी कॉमन है. अगर आप देखो तो सबसे अच्छा बेनिफिट सिनर्जी का जो बेनिफिट आपको मिलता है वो सेकंड और थर्ड में मिलता है. अब वो पूरे इंडिया के कोचिंग क्लास वाले फर्स्ट और थर्ड बोलते हैं, रादर मैं भी यही बोलता था फर्स्ट और थर्ड. मुझे किसी ने बताया नहीं बट वो मेरा भी एक ट्रेंड था कि सब बोलते तो अपन भी वही बोलते हैं. बट दैट डे द अदर डे आई हैड अ डिस्कशन विद अमोक सर और जिन्होंने मुझे बताया कि एक्चुअली में फर्स्ट ग्रुप सेकंड और थर्ड ग्रुप से उतना कोई खास कनेक्शन नहीं है, बट सेकंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप का कनेक्शन अगर आप निकालें तो और फिर अमोक सर के बोलने के बाद मैंने क्या किया था, मैंने आईसीएसआई की एनुअल रिपोर्ट वगैरह चेक की तो उसमें मैंने ये भी देखा कि जो सबसे अच्छा रिजल्ट आता है वो सेकंड और थर्ड के कॉम्बो को आता है. आप ये भी एक बार चेक कीजिए. सर जैसे मैं जून में सोच रही थी कि इंटर्नशिप ज्वाइन करने के लिए, तो सर फर्स्ट मॉड्यूल में ड्राफ्टिंग और प्लीडिंग है, तो अगर सर मैंने सेकंड और थर्ड कर लिए तो मुझे इंटर्नशिप में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी सर? बेटा कोई क्या मतलब ड्राफ्टिंग व्राफ्टिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा कोई, और इंटर्नशिप में आप बिल्कुल ब्लैंक होके जाओगे एज फार एज मेरा नॉलेज है. मेरा जो एक्सपीरियंस है कुछ भी नहीं आता. मतलब अपन ठीक है, आप बहुत सारी चीज आपको लॉ आपने थियोरेटिकली पढ़ा है बट वहाँ पे आपको जीरो से ही शुरू करना है जितना मेरा अनुभव है आर्टिकलशिप को लेके. तो आप प्लीज बोलिए बेटा. हाँ तो सर सेकेंड और थर्ड देने में मतलब आर्टिकलशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? तो मैं जून में नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं. लोग तो बिना एग्जाम दिए भी फाइनल का अपनी आर्टिकलशिप शुरू कर लेते हैं. अच्छा अच्छा सर. ओके सर, बस यही था. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस बेटा, गॉड ब्लेस. यस गार्गी आपका कोई क्वेश्चन था बेटा? सर क्या ना सर, एक मिनट के लिए इंटरप्ट कर सकता हूँ बीच में? बिल्कुल सर, दैट वुड बी अ प्लेजर इंडीड. हाँ बच्चा, एक्चुअली ना जो बच्चे फर्स्ट और थर्ड के लिए प्लान करते हैं, यानी ये जो फर्स्ट और थर्ड का कॉन्सेप्ट इन्वेंट किया गया है क्लास वालों के द्वारा भी और बच्चों के द्वारा भी, इसके पीछे वजह यही थी कि एग्जामिनेशन में ना फर्स्ट ग्रुप देने के बाद तीन दिन का बीच में छुट्टी मिलता है और बाद में थर्ड ग्रुप दे सकते हैं. exactly, तो उसके ये मिसकॉन्सेप्शन है. लेकिन आप ही सोचिएगा, जिन जिन सब्जेक्ट के लिए आपको एक दिन पहले छुट्टी मिली है उसके मार्क्स क्या आपके 10-20-30 नंबर से बढ़े हैं? ऐसा कुछ हुआ है क्या पासिंग में कोई, या एक के पीछे एक देने के बाद भी आपके उतने ही मार्क्स रहे हैं? तो एक्चुअली दिस इज अ मिसकॉन्सेप्शन. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी बीच में तीन दिनों का ब्रेक है नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आप लगातार भी दोगे तो भी आप क्लियर कर देते हो, लगातार यानी ब्रेक लेके दोगे तो भी फर्स्ट और थर्ड देने के बाद भी फेल होने वालों की परसेंटेज उतनी ही है जितना तीनों एक साथ देने वालों की है. वेरी ट्रू. तो एज सच उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो इसलिए ये मिसकंसेप्शन हटा दीजिएगा. ये मार्केट में क्या है ना, कोई चीजें है ना ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस,
जैसे हम कहते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, बिल्ली अगर हमें रास्ता काट के चली गई तो सात पैर, सात कदम पीछे चलो और उसके बाद आगे बढ़ो, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं. सेम वैसे ही है फर्स्ट और थर्ड का, एज सच कोई लॉजिक नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता तीन दिन के बीच में छुट्टी हो नहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. सो इसलिए डोंट वरी, यानी ऐसा मत सोचो, थोड़ा लॉजिकली सोचो, छुट्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो, कौन सा सब्जेक्ट आपका, यानी जैसे फॉर एग्जाम्पल मॉड्यूल टू और मॉड्यूल थ्री के बहुत सारे सब्जेक्ट्स वो ड्यूप्लीकेशन ऑफ वर्क है वहां पे, यानी सिलेबस ड्यूप्लीकेट हो चुका है या सिमिलर है या एक दूसरे को समझने के लिए काफी आसान जाता है. यानी हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट मॉड्यूल टू और मॉड्यूल थ्री के कॉम्प्लीमेंट्री है. सर जैसे आप हेलो पढ़ाते हो और ड्यू डिलिजेंस का टेकओवर करते हैं, सर वो सेम ही है ना? सर इसमें ड्यू डिलीजेंस में कई सारे पॉइंट सीआर के भी आते हैं, तो ऑडिट में भी कई सारे पॉइंट सीआर के आ जाते हैं. इसके अलावा अपना इंसॉल्वेंसी कॉमन है मॉड्यूल थ्री के साथ, तो ऐसा तकरीबन आपको 20-25% सिलेबस मैचिंग मिलेगा मॉड्यूल टू और मॉड्यूल थ्री में. बिल्कुल बिल्कुल सर. नाउ गार्गी कैन आस्क क्वेश्चन बिकॉज़ शी हैज रेज्ड हर हैंड फ्रॉम लॉन्ग टाइम. जी गार्गी प्लीज बोलिए. यस सर. यस सर. गुड इवनिंग एवरीवन. तो सर मेरा ये क्वेश्चन, मतलब मेरा ये थोड़ा एनालिसिस रहा है आफ्टर क्लियरिंग एग्जीक्यूटिव. मैंने अभी जस्ट एग्जीक्यूटिव क्लियर किया, दोनों ग्रुप्स मैंने एक साथ दिए थे. तो अभी मेरा ऐसा थोड़ा एनालिसिस रहा कि अभी जून 22 में दो या दिसंबर 22 में दो, पढ़ना तो हमें उतना ही है. मतलब खाली फोकट फिर 3-4 महीना आफ्टर जून इतना एफर्ट्स वापस एक एक्स्ट्रा ग्रुप देने के लिए क्यों निकालना, जो पढ़ना है उतना जून तक पढ़ ही लेते हैं ना, ऐसा मेरा मानना है. मतलब इतना डुएबल है क्या? आप लाइक सिंस यू आर इन दिस प्रोफेशन सिंस वेरी लॉन्ग, तो यू नो कि ये डुएबल है या नहीं है. तो मतलब ये मेरा क्वेश्चन है कि ये डुएबल है, मतलब जून 22 के लिए पूरा सारा न्यू मॉड्यूल्स देना, कि अगर इंसान मेंटली प्रिपेयर्ड है तो आई थिंक वो स्ट्रेच कर सकता है. देखिए सबसे पहले तो जो लोग जून में तीन ग्रुप दे रहे हैं, तो अमोक सर ने तो क्लियरली ओपिनियन दिया, बट एज फार एज जैसे हमारी जो क्लासेस है, मैं आपको क्लासेस का बता दूं कि हम लोग 12 नवंबर से क्लासेस शुरू करेंगे दिवाली के बाद. और दिवाली के बाद हम इसलिए शुरू कर रहे हैं बिकॉज हम लोग फेस टू फेस को भी टारगेट कर रहे हैं. वी वॉन्ट स्टूडेंट्स टू कम पुणे, और पुणे अगर आप आते हैं तो कहीं ना कहीं आप हमसे रोज मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं हम एक, जैसे अभी देखिए हमारे यहाँ पे साकेत और दिवांशु, ये लोग मेरे ख्याल से बीकॉम फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में ही होंगे, और ये लोगों ने दोनों ग्रुप एक साथ क्लियर किए, एक का 470 है शायद, एक का 450 है. तो एक बार जब आप फेस टू फेस आते हैं तो पंक्चुअलिटी डेवलप होती है, आपको क्लास आना है, क्लास के बाद आपको सीधे लाइब्रेरी जाना है, क्लास में आप बैठे हो तो फोन यूज नहीं करोगे. मतलब आप समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, कि जब आप एक बार फेस टू फेस आते हैं तो उसमें एक पंक्चुअलिटी डेवलप होती है. और हम लोग यहाँ पे 4.5 महीने में सिलेबस खत्म कर रहे हैं. क्या लाइव ऑनलाइन है तो वो भी अपन उसके हिसाब से भी करेंगे. 4.5 महीने में अपन सिलेबस खत्म करने का अपना टारगेट है. तो अगर 12 नवंबर से अपन स्टार्ट करते हैं तो 12 दिसंबर, देन 12 जनवरी, 12 फरवरी, 12 मार्च, मतलब हम मैक्सिमम अप्रैल 20th या 25th तक हम सारा सिलेबस खत्म करेंगे 9 के 9 सब्जेक्ट का. अब वो हम अपने साइड से खत्म करेंगे और हमारी क्लास हम 7:30 बजे स्टार्ट करेंगे, 4:30-5:30 तक खत्म करेंगे. तो उसके बाद इतनी क्लास होने के बाद अगर आप 5:30 बजे जाके भाई चलो 1.5 घंटे आपने रेस्ट ले लिया, उसके बाद वापस से आप 8 बजे 9 बजे खाना खा लो यार, जैसा भी 9 से लेके 12 बजे तक आप वापस 3 घंटे पढ़ सकते हो, फिर सुबह मॉर्निंग में आप 6 बजे उठ के वापस क्लास आ सकते हो. तो अगर आप इस लेवल की पंक्चुअलिटी रख सकते हो और पंक्चुअलिटी से भी ज्यादा कंसिस्टेंसी अगर आप रख सकते हो और वो भी फॉर इलॉन्गेटेड पीरियड ऑफ टाइम नवंबर से लेके जून तक, तभी आपको मेरे ख्याल से तभी आपके मन में, मतलब जब आपने वो बोलते ना एकदम दृढ़ संकल्प कर लिया कि यार चाहे कुछ भी हो जाए, साला मर भी जाऊं लेकिन वो 6 महीने के अंदर मैं क्लियर करूंगा ही, तो ये दृढ़ संकल्प है अगर आपका, तो फिर आप सोचिए कि आप तीनों ग्रुप के लिए अपीयर कीजिए. क्योंकि सिलेबस देखिए अगेन मैं बोल रहा हूँ कि हम तो सिलेबस खत्म करेंगे, बट सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत सारे नए नए सब्जेक्ट भी आप पढ़ेंगे, और तो थोड़ा सा मतलब वो चीज आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी. आप जून में तीनों ग्रुप देते हैं, डेफिनेटली वी वुड सपोर्ट यू, हम तो आपका सिलेबस टाइम पे खत्म कराएंगे. और इनफैक्ट हम तो बहुत सारे बच्चों को फेस टू फेस के लिए आमंत्रित कर रहे हैं कि आप पुणे आइए और हमारे साथ पढ़िए. हमारा तो क्लास में भी हमने एक लाइब्रेरी सेट करके रखा हुआ है. ठीक है, तो इफ यू रियली विश, अगर करना है कि चलो वी हैव टू डू, तो बिल्कुल अपन कर सकते हैं. और अगर नहीं भी होता तो आप अपन मार्च अप्रैल में वापस से बात करेंगे. अगर आप बोलेंगे कि 2 ग्रुप जब तक 2 ग्रुप दीजिए, ठीक है. अगर आपको माइंड सेट रखना है कि 3 ग्रुप का करना है तो 3 ग्रुप का कर लीजिए, बट प्रैक्टिकली इट्स वेरी चैलेंजिंग, दैट आई वुड लाइक टू रीइटरेट.
ओके सर, तो अभी आई विल थिंक अबाउट इट, बट मेरा ऐसा थोड़ा डिटर्मिनेशन है, आई फील आई कैन डू इट. अगर ऐसा रहा कि एग्जाम फॉर्म भरने से पहले मुझे थोड़ा लगा कि नहीं हो रहा है ये, तो एट द एंड मैं वैसे भी तीनों ग्रुप का पढ़ ही रही थी, तो दो ग्रुप एनी टाइम दे ही सकती हूँ. और बिलीव कीजिए उस समय भी अपन एक जूम सेशन रखेंगे. वंस वी आर डन विद द सिलेबस, वी हैव द सेम जूम सेशन वेयर यू नो वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल दीस थिंग्स एंड ऑल अस ऑल ऑफ अस ऑल फोर फैकल्टी मेंबर्स विल बी प्रेजेंट. ओके सर, बस वन लास्ट डाउट. सो फॉर मी इट इज नॉट पॉसिबल टू कम टू पुणे फॉर फेस टू फेस क्लासेस. ओके सर, तो लाइव क्लासेस में भी सिलेबस 4.5 मंथ्स में खत्म हो जाएगा ना? जैसे आप अभी हमसे बात कर रहे हैं, हमारी लाइव क्लास भी जूम बेस्ड है. ओके सर, जूम भी चलेगी, वो ऐसी आवाज आएगी आपको, तो हम लोग तो लाइक वी आर गोइंग वन स्टेप फर्दर फ्रॉम व्हाट लाइक कंपटीशन इज देयर इन द मार्केट. वो लोग नहीं कर रहे, अब तो सबसे बोल रहे हैं कि जूम स्टार्ट करो, बट जूम सिर्फ हम ही स्टार्ट कर रहे हैं. ओके सर, नहीं एक्चुअली जूम इज वेरी कंफर्टेबल फॉर स्टूडेंट्स आल्सो, बिकॉज़ वो आपको डाउट पूछ रहे तो आप इतना सारा टाइप कैसे करोगे? एग्जैक्टली, सीधा अनम्यूट करके वी कैन आस्क डायरेक्टली. एग्जैक्टली. जी, समवन इज रेजिंग हैंड. हां बेटा, कौन, किसका डाउट है, प्लीज पूछिए. सर जी प्लीज बोलिए बेटा. लाइक अभी हम सोच रहे हैं, मतलब लाइक अभी अगर हम चालू भी कर दें प्रिपरेशन तीनों ग्रुप के लिए, एक दो महीने में आपको पता चल जाएगा ना हम कितने पानी में हैं, बोल के कितने ग्रुप दे सकते हैं, कितने हमारी है जून में देने की. मैं जितना तुम लोग को जानता हूँ कि देखो, अगर तुमने फर्स्ट डे से माइंडसेट बनाया तीन ग्रुप का, तो मेरे ख्याल से 4.5-5 महीने जब तक क्लास चलेगी, यू विल बी वेरी पंक्चुअल, वेरी रेगुलर. क्लास के एक महीने के बाद, मतलब जो मैं तुमको रूटीन बता रहा हूँ, तुम वो रूटीन अगर फॉलो करोगे तो डेफिनेटली वी कैन मेक इट बिग बेटा. क्योंकि देखो, और सबसे अच्छी चीज ये है कि यू नो लाइक जैसे मेरे दो सब्जेक्ट है वो मैं पूरा लिखवाने वाला हूँ, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू मेक यू राइट. अमोक सर के सब्जेक्ट है तो वो पूरा प्रैक्टिकली तुमको ही इज गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग की फंडिंग कैसे होती है, लिस्टिंग कैसे होती है, बिकॉज ही इज ऑलरेडी इनटू इट. तो हमारा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा दिवांशु, दैट वुड बी कि तुम्हारा 50% बर्डन हम कम कर देंगे. सुपान सर वुड बी फॉर सीआर, और सर से तुमने पढ़ाई है सीआर कितना अच्छा, मतलब अकाउंट्स कितना अच्छा पढ़ते हैं, और सेम चीज को सर सीआर में इंप्लीमेंट करने वाले हैं. फिर कल्पक सर वो डील्स इन टू दिस मैटर, मतलब ये डिस्प्यूट्स के मैटर में डील करते हैं. तो ओवरऑल सब कुछ अच्छा होने वाला है, बट तुम लोग अगर अपने साइड से कमिट करते हो तो डेफिनेटली वी कैन वर्क फॉर. और देखो, ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूशन हमारी जिम्मेदारी है कि जो टाइम हमने कमिट किया है कि इतने वी आर गोइंग टू डू इट, बट अगेन वी नीड अ कमिटमेंट, रादर वी नीड अ वेरी फर्म कमिटमेंट फ्रॉम योर साइड. हां सर. यस, किसी और को क्वेश्चन? साकेत, पूजा शर्मा जी, पूजा देवी जी, गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग बेटा. सर मैंने आपसे पहले कोचिंग तो नहीं लिया, बट आपकी टेस्ट सीरीज मैंने ली थी एग्जीक्यूटिव के लिए. एंड मेरा जो सवाल है काफी स्पेसिफिक है मेरे सिचुएशन से. थिंग इज कि मैंने अभी जॉब ज्वाइन किया है केपीएमजी में, एंड मुझे उसी के साथ सीएस भी करना है, तो मेरे लिए लाइव क्लासेस लेना तो पॉसिबल नहीं होगा. तो यस सर, आप कुछ बोल रहे थे? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा. तो सर रिकॉर्डेड क्लासेस क्या अमेंडेड होंगी जून 2022 के लिए? आई थिंक सुभान सर इज द राइट गाय टू आंसर दिस. हेलो. हाँ सर. हेलो, मेरी आवाज आ रही है? परफेक्ट. हाँ बेटा, कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन बेटा? सर द थिंग इज कि मैंने अभी जॉब ज्वाइन किया है केपीएमजी में, तो लाइव क्लासेस लेना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा. मुझे जॉब के साथ ही सीएस भी करना है, तो मैं पूछ रही थी कि जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे क्या वो अमेंडेड होंगे फॉर 22 जून 22 अटेम्प्ट के लिए? एब्सोल्युटली बेटा, देखो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट इज ऑफ लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स, यानी जो लाइव क्लास होती है ना वो रोज के रोज गूगल ड्राइव से अपलोड होती है. तो यहाँ पे जो भी क्लास होगी अभी की जो जून के लिए होगी वही आपको रोज मिलेगी. रिकॉर्डेड ऐसा नहीं है कि हम प्रीवियस बैच के रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करते हैं, ऐसा नहीं होता है बेटा. तो आपको अभी जो लाइव पढ़ने वाले हैं बच्चे हमारे यहाँ, उन्हीं के लेक्चर्स आपको सेम डे टिल द इवनिंग आपको मिल जाते हैं.
ओके सर, ओके, थैंक यू सर। यस बेटा, यस। एंड सर एक और छोटा सा डाउट था, मतलब द थिंग इज मैं समझ रही हूँ कि आप तब से यही सजेस्ट कर रहे हैं कि सेकंड और थर्ड ग्रुप साथ में दें, बट देर आर सम हेल्थ इश्यूज जिसके कारण मैं चाहती हूँ कि फर्स्ट एंड थर्ड में साथ में दूं, तो मतलब उसमें कुछ गलत तो नहीं है ना ऐसे? बेटा देखिए, हम सिर्फ सजेशन करते हैं, बट अल्टीमेटली यू डू व्हाट यू आर कंफर्टेबल इन। तो जिस चीज में आप कंफर्टेबल हैं वही देखिए, एज अ टीचर हम आपको सजेस्ट करते हैं, बट आप वही कीजिए जो आपको सही लगता है। ओके सर, थैंक यू। बेटा और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, बेटा अगर आपको यानी आई डोंट नो द यानी सीवियरिटी ऑफ योर हेल्थ इशू, लेकिन अगर आपको कोई सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम है तो आई थिंक जॉब करके सीएस प्रोफेशनल का पढ़ाई करना विल बी अ बिट डिफिकल्ट। तो अगर आपको पॉसिबल है तो एग्जामिनेशन के एटलीस्ट 2 महीने पहले आप थोड़ा लीव लीजिए और लीव लेके प्रिपरेशन करके आराम से एग्जामिनेशन दीजिएगा इफ पॉसिबल। सर वो तो मैं मतलब मैनेज कर लेती हूँ, क्योंकि पहले कॉलेज भी मैं DU से पास आउट हूँ, तो वहाँ पे भी क्लासेस अटेंड करके एंड एग्जीक्यूटिव की पढ़ाई साथ में करके, फाउंडेशन में भी मेरी ऑल इंडिया रैंक थी, तो मुझे उतनी दिक्कत नहीं होती है मैनेज करने में चीजें, उतना पे भरोसा है। चलो ग्रेट ग्रेट बेटा, फिर अच्छे से प्रिपरेशन करना, ठीक है? ओके सर। चलिए बेटा, और किसी के डाउट अगर है तो? सर मेरे थे। हाँ, तो सिर्फ कैसे आप सर? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। सर मेरे को ये था एक क्वेश्चन कि हम कितना टेस्ट सीरीज करें एग्जाम के पहले, लाइक कितने हर सब्जेक्ट कितने टेस्ट सीरीज करना चाहिए, लाइक फॉर कंपनी लॉ एटलीस्ट वी शुड डू 5 पेपर्स बिफोर गोइंग टू द एग्जाम सर। यार मतलब मैं भी सीएस फाइनल पास हुआ, मैंने तो एक भी टेस्ट पेपर सॉल्व नहीं किया था यार, मतलब आई डिड नॉट सॉल्व इवन अ सिंगल पेपर। रीजन बीइंग इज दैट कि एवरी डे मैं कम से कम 10 पेज लिखता था, मतलब मैं एवरी डे आई यूज्ड टू राइट 10 पेजेस, मतलब मैं खुद के नोट्स बनाता था, उस समय तो नोट्स का कंसेप्ट भी नहीं था, सो आई यूज्ड टू प्रिपेयर माय ओन नोट्स। तो उसके चक्कर में माय राइटिंग वाज वेरी नाइस, तो मतलब राइटिंग वाज वेरी नाइस, मतलब मेरी लिखने की प्रैक्टिस काफी थी, मतलब राइटिंग तो मेरी आज भी घटिया है बट लिखने की प्रैक्टिस मेरी काफी अच्छी थी, तो मुझे एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लाइक आई कुड आंसर ऑल द क्वेश्चंस आई कुड आंसर। सो टेस्ट सीरीज मेरे ख्याल से आप बिल्कुल दीजिए, बहुत अच्छी चीज है, बट अगर आप अपनी राइटिंग प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, आप समराइज नोट्स क्रिएट कर रहे हैं, खुद से राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो, आपने एक टेस्ट भी अच्छे से दिया दैट वुड बी मोर देन इनफ। ओके थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर नवल परमार जी का क्वेश्चन है कि नवल परमार क्या बोल रहे हैं, पहला तो क्वेश्चन है फीस का कि फीस कितनी होगी, और जूम मीटिंग में कंपैरेटिवली थोड़ा कम क्लियर होता है। क्लास मॉड्यूल से बिल्कुल मॉड्यूल से ही होगा, हमारे नोट्स हैं जो मॉड्यूल को 100% कवर करते हैं, जैसा हमारा एग्जीक्यूटिव में था, और जूम मीटिंग कंपैरेटिवली थोड़ा कम क्लियर होता है इन ऑडियो, तो हमें रिकॉर्डिंग्स मिलेगी वो सिर्फ जूम की रिकॉर्डिंग, नहीं 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 रिकॉर्डिंग जो आपको मिलेगी वो हमारे सॉफ्टवेयर की रिकॉर्डिंग मिलेगी जो एग्जीक्यूटिव में मिलती थी, तो उसका बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ठीक है? और आप सबको जूम वाले लेक्चर लाइव भी मिलेंगे और उसका आपको बैकअप भी मिलेगा, सबको लेक्चर के बैकअप मिलेंगे ड्राइव में, और ड्राइव की जो रिकॉर्डिंग होगी वो जूम रिकॉर्डिंग नहीं होगी, वो सॉफ्टवेयर की रिकॉर्डिंग होगी। चलिए अब मैं थोड़ा इंटरप्ट करूं यहां पे, प्लीज 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 बोलिए सर। सर अपन बच्चों को बता दें कि ये हम जो सिस्टम यूज करते हैं वो इंडिया का बेस्ट सिस्टम है, सो वी हैव स्पेंड मोर देन 10 लाख रुपीज इन द सॉफ्टवेयर, तो जिसमें आप लोग जब भी हमसे क्वेरीज पूछेंगे ड्यूरिंग लाइव सेशन तो आपका आवाज उसमें रिकॉर्ड नहीं होता है, तो यहाँ सॉफ्टवेयर में हम जो पढ़ाते हैं वो रिकॉर्ड होता है, तो इसके वजह से आप बाद में आपको जो रिकॉर्डेड लेक्चर दिखते हैं वो बिल्कुल अनइंटरप्टेड रहते हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ एनी इंटरप्ट यानी नॉइस वगैरह रहता है, तो इसके लिए निश्चिंत रहिए। और हमारा जो यानी हम सॉफ्टवेयर अलग से रिकॉर्ड होता है, जूम अलग से चलता है, और जिससे हम ब्रॉडकास्ट करते हैं वो सॉफ्टवेयर अलग है, तो इसके वजह से आपकी क्लैरिटी, यानी बहुत बच्चों को ये भी प्रॉब्लम होता है कि इंटरनेट ज्यादा कंज्यूम होगा क्या, तो इंटरनेट अपना ज्यादा कंज्यूम नहीं होता, आपके एंड से भी कंज्यूम नहीं होता है ज्यादा, आपको यहाँ से लेक्चर्स बहुत अच्छे से दिखाई देंगे, कोई इंटरप्शन नहीं आता, बीच में कोई डिस्कनेक्शन भी नहीं होता है, और बाद में जो रिकॉर्डिंग रिकॉर्डेड लेक्चर्स का आउटपुट आता है उसका आपको ड्राइव के थ्रू
बहुत क्लियर लेक्चर मिलता है, सो नो नीड टू वरी. क्योंकि जनरली सर क्या होता है ना, बाकी क्लासेस में सॉफ्टवेयर इतने अच्छे नहीं है, तो इस वजह से बच्चों को बहुत दिक्कतें आती है रिकॉर्डेड लेक्चर में. तो ये शायद कहीं और क्लासेस लिया होगा तो बच्चों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी होगी. दैट्स इट सर. चलिए सर बच्चे, और कोई क्वेश्चन? पूजा शर्मा जी, संजीवनी भोसले जी. सर, आई हैव अ क्वेश्चन. सो कैन यू ब्रीफ अस अबाउट द फी स्ट्रक्चर? या आई थिंक सबका वही क्वेश्चन है कि फी स्ट्रक्चर क्या होगा. सबसे पहले बेटा फीस, लाइक मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, फीस के बारे में आपको स्पॉन्सर बताएंगे, बट मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, आवर इंटेंशन इन टर्म्स ऑफ फीस इज वेरी क्लियर. We want to be the most affordable class with and which provides the best quality classes. So fees hamari beta bahut zyada affordable hai. Supansar, please fees ke bare mein bataiye. Aur ek aur question rahe sir Supansar, bachcho ka ye hai ki kya fees installment mein bhar sakte hain? To agar wo bhar sakte hain to wo bhi bata dijiyega sir. Okay sir. Dekho bachcho, fees jo hai aap yani kahin se bhi cross verify kar sakte hain ki apni fees sabse kam hai. तीन ऑप्शंस देते हैं हम बच्चों को. बच्चों को अगर सिर्फ रिकॉर्डेड चाहिए तो रिकॉर्डेड मिलेगा अलॉन्ग विद हार्ड कॉपी बुक्स, तीनों मॉड्यूल का 20,000 में. अगर उनको लाइव प्लस रिकॉर्डेड चाहिए, यानी जूम में वो लाइव अटेंड करना चाहते हैं प्लस रिकॉर्डेड का बैकअप चाहते हैं, तो सिर्फ 5,000 रुपीज एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी, जिसमें 25,000 में उनको लाइव प्लस रिकॉर्डेड प्लस हार्ड कॉपी नोट्स मिलेंगे. तीसरा ऑप्शन है फेस टू फेस का, यानी पुणे में आके अगर क्लासेस करना चाहते हैं तो पुणे में आप फेस टू फेस भी कर सकते हैं, और उसके साथ आपको रिकॉर्डेड का बैकअप भी मिलेगा अलॉन्ग विद हार्ड कॉपी नोट, ओनली इन रुपीज 30,000. तो ये तीनों मॉड्यूल का इंक्लूड करके तीन ऑप्शन है आपके पास, और इसकी वैलिडिटी दिसंबर 2022 तक होगी, दिसंबर 2022 तक. यानी आपको तकरीबन सवा साल की, यानी यहाँ से अगर अक्टूबर नवंबर दिसंबर पकड़े रहोगे 15 मंथ्स का आपको टोटल वैलिडिटी मिलता है इसमें. तो आपका अगर इफ इन केस दो मॉड्यूल या तीन मॉड्यूल जो भी आप जून में देना चाहते हो उसमें वो अगर क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आगे के लेक्चर्स भी आपके ऐप में अपलोड हो जाएंगे, और वो भी अपडेटेड लेक्चर्स, इसके लिए आपको कुछ एडिशनल पे नहीं करना पड़ेगा. तो दिसंबर तक जो जो लेक्चर्स हम यहाँ पे लेंगे वो सारे लेक्चर्स आपको आपके ड्राइव पे मिल जाते हैं. और फीस में इंस्टॉलमेंट अवेलेबल है, 50% अमाउंट यू कैन पे एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एंड 50% अमाउंट के लिए हम आपको 1 month का आपको क्रेडिट पीरियड दे देते हैं. And without extra charges. Yes, without any extra charges. कोई extra installment charges वगैरह नहीं लगते हैं. Okay, sir. And yes, sir. Please. और इसमें test series भी included है. Apart from that, answer. यानी हम बहुत सारा past examination का question भी solve करवा के लेते हैं. And apart from that, दूसरे सर बहुत सारी राइटिंग प्रैक्टिस भी ले लेते हैं. इनफैक्ट बाकी भी लॉ के जो भी सब्जेक्ट है उसमें आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी ली जाती है, तो उसके लिए कोई सेपरेट चार्ज नहीं होगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, रिकॉर्डेड स्टूडेंट्स हो लाइव स्टूडेंट्स हो, सभी के लिए मंथ में एक या दो बार वी आर गोइंग टू हैव ए जूम मीट, जिसमें वी कैन डिस्कस द क्वेरीज. जैसे अभी अपन जूम मीटिंग कर रहे हैं वैसे इन अ मंथ कपल ऑफ टाइम्स वी विल मीट और असेसमेंट करेंगे किसका कैसे पढ़ाई चल रहा है. अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन ऑल्सो, यानी जो भी क्वेरीज रहेगी वो अगर आपको पूछनी है तो यू कैन आस्क दोस क्वेरीज एज वेल. ओके सर, सो आई हैव वन मोर डाउट. तो ये जो मॉड्यूल 3 है, मॉड्यूल 3 में जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है उसमें आई हैव टेकन फॉरेंसिक ऑडिट, अभी मैंने रिसेंटली रजिस्ट्रेशन कराया. तो इफ आई डोंट वांट द इंसॉल्वेंसी एज अ सब्जेक्ट इन माय थर्ड मॉड्यूल, सो ये मतलब हाउ कैन वी वर्क दिस आउट? हेलो, यस सर. एक्चुअली दुष्यंत सर. हाँ जी सर. सर, वी डोंट हैव द सब्जेक्ट ऑफ फॉरेंसिक ऑडिट, और डू वी हैव फॉरेंसिक ऑडिट? खत्म हो गया फॉरेंसिक ऑडिट का पाप मेरे ऊपर ही. मैंने सबको 2 साल पहले वीडियो बना के भेजा, बोला था कि फॉरेंसिक ऑडिट लो, बट दैट सब्जेक्ट हैज बीन फिनिश्ड, अब वो सब्जेक्ट नहीं है. Okay, so so then for the for if I take admission in the classes, so for the 9th subject I don't have to attend it, right? Insolvency. Okay, ma'am, आपका fees proportionately कम हो जाएगा अगर आपको foreign study से continue करना है. So I'm not worried about the fees, I'm worried about the time. Okay. Yeah. आप इंसॉल्वेंसी ले सकती हैं क्योंकि टाइम अगर आपको बचाना है तो इंसॉल्वेंसी सबसे अच्छा है. सीआर के साथ ही इंसॉल्वेंसी, और अमोक सर पढ़ा रहे हैं तो अमुक सर से पढ़ने का मौका आपको
yes, I understand, but I find forensic audit more relevant to the recent time. बेटा फॉरेंसिक ऑडिट इंस्टीट्यूट ने इसलिए हटा दिया क्योंकि इंस्टीट्यूट के पास फॉरेंसिक ऑडिट का मटेरियल नहीं है. तो मेरी एक स्टूडेंट थी लावण्या कुमार, शी वाज रैंकर इन एग्जीक्यूटिव, मेरे बोलने पे शी टुक फॉरेंसिक ऑडिट और आप बिलीव नहीं करोगे उसके शी अपीयर्ड फॉर ऑल 9 सब्जेक्ट, 9 में से उसको 7 में एग्जम्पशन आया, शी गॉट फेल्ड इन फॉरेंसिक ऑडिट. तो मैंने उसको बोला कि बेटा मॉड्यूल चेंज कर, सब्जेक्ट चेंज कर. तो उसने इंसॉल्वेंसी लिया, उसके अभी 60 आए हैं इंसॉल्वेंसी में. तो ऐसा कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हो. ओके then I'll... आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरते तक ऑप्शन मिलता है सब्जेक्ट चेंज करने का. ओके सर, एक्चुअली ये प्रॉब्लम मैंने भी देखी है बिकॉज़ देयर आर नो बुक्स अवेलेबल फॉर फॉरेंसिक ऑडिट. सो लेटर आई अंडरस्टूड कि यार समवेयर आई हैव आल्सो टेकन अ रॉन्ग डिसीजन, बट देन आई डिडंट नो दैट आई कैन चेंज द टॉपिक. बट इफ दैट इज द केस यू कैन ऑलवेज चेंज बेटा, कोई दिक्कत नहीं. यस सर, थैंक यू सर. सर अभी आपसे और अमोक सर से यही क्वेश्चन है कि अभी हम मैं लाइक हम लोग प्लान कर रहे हैं कि तीनों ग्रुप की क्लासेस चालू तो करेंगे, देने का बाद की बात है, चालू करेंगे. तो व्हाट वुड बी द लाइक ऑनलाइन फिजिबल बेटर होगा ना ऑफलाइन से या फिर ऑफलाइन करें? क्योंकि ऑनलाइन देखो टाइम बहुत मिलेगा, हम लोग स्पीड पे भी देख सकते हैं लेक्चर्स, या फिर ऑफलाइन करें हम लेक्चर्स, वही बताओ आपका कौन सा बेटर होगा. मैं सबसे पहले ऑनलाइन ऑफलाइन हम लोग तो फेस टू फेस को काफी प्रमोट कर रहे हैं. कितने लोग एक्चुअली पुणे आने का प्लान कर रहे हैं मुझे बताओ. How many of you are actually planning to come to Pune, or everyone is planning to have online classes? Sir, online sir, online. ताकि तू आ रहा है कि मैं confused हूँ sir, वही मतलब confused हूँ sir, वही online या offline कौन सा better होगा? Plan यही है कि offline आना है, ठीक है? हाँ. But वो ये कि अभी doubts में हूँ sir मैं, because मतलब main concern ये तो नहीं था. अगर आप दो दिन पहले पूछते हैं, time का concern. मैं यही बोलता कि मैं आने वाला हूँ. बट जब से मेल आया है ना तो उस टाइम से मेरे को लगा करके कि द क्लासेस जो हम लोग ऑफलाइन 1x में देखेंगे टाइम तो पहले शॉर्ट है सर. ऊपर से अगर हम लोग स्पीड पे देखें ना डेफिनेटली हम लोग थोड़ा बहुत तो कवर कर सकते हैं उस चीज को, बट वो ये स्पीड पे देखेंगे और जो फेस टू फेस का जो फील है वो ऑनलाइन में तो नहीं मिलेगा. ठीक है, ऑफलाइन का सर हम लोग 4 महीने से प्लान कर रहे थे आएंगे बोल के, एग्जाम के बाद पास होते हैं, 4 महीने से था आने का. ऑफलाइन या ऑनलाइन में तो कोई मैच तो नहीं है, ऑफलाइन बेटर है, बट वो ये कि अभी टाइम शॉर्ट के लिए मैं कंफ्यूज हूं कौन सा बेटर होगा उसी के लिए मतलब सोचना है सर. बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा है बिल्कुल सर, नींद नहीं आ रही सर बहुत. अमोक सर आप क्या सजेस्ट करते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन? सो बेसिकली द डिसीजन इज डिपेंडेंट ऑन टू मेनी फैक्टर्स. Like आपको पुणे में means are you accustomed to living on your own, then how are you going to manage yourself, so on and so forth. But purely from a learning perspective I'll say that offline face to face classes are always the best, because वहाँ पे आपको काफी अच्छा means आप faculty को अच्छा feedback दे सकते हो. Faculty can change his teaching style to make sure that everyone understands everything. Because otherwise we go with a universal approach. जिसमें सबको सब समझ में आता है, but अगर कुछ हो कि आपकी कोई query हो तो I always find कि मेरे सामने जब कोई बैठा है तो उसके चेहरे से ही मुझे समझ में आता है कि इसको ये समझा नहीं, I need to explain it in some different fashion. So offline as far as teaching is concerned are unbeatable. Online are also offline, good, yes, but from purely teaching perspective offline. ऑफलाइन सर मेरा भी ऐसा सर, एग्जीक्यूटिव की क्लासेस में मैंने आधी ऑनलाइन की थी आधी ऑफलाइन की थी, तो उसमें तो मैं डेफिनेटली कंपेयर मेरे से बेटर तो आंसर कोई नहीं दे सकता बिकॉज आधी आधी दोनों की थी. ऑफलाइन टीचिंग इज ऑलवेज बेस्ट सर, बट वो ये कि अभी के पॉइंट पे जब हम लोग टाइम शॉर्ट है तो अभी इतना कंफ्यूजन हो रहा है ना सर कि मतलब अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है सर. अभी तो बस यही लग रहा है कि एलिजिबल ही नहीं करना था सर इंस्टीट्यूट को. नहीं नहीं वो ऐसा नहीं है, और क्या है ना मतलब सिलेबस जब इंस्टीट्यूट को अपन खत्म करेंगे तो सबका साथ भी करेंगे 4.5 महीने में, तो 1x देख 2x देख. एनीवे नवल जी का कोई डाउट है? जी नवल प्लीज बोलिए. जी सर, अब हमको जो क्लास मिलेगा रिकॉर्डेड वो लाइव बेस वाला मिलेगा क्या अलग होगा? सेम वही लाइव वाला ही मिलेगा आपको रिकॉर्डेड. इनफैक्ट वही क्लास ज्यादा अच्छा होता है. अपने जो ऑफर है वो कब तक वैलिड होंगे जो आपने बताया 20,000? हम लोग ऑफर एक्चुअली
जो हम लोगों ने ऑफर बताया है उसमें भी हम लोग थोड़ा सा और कम करेंगे, बट उसके लिए आप लोग को दिवाली तक का वेट करना पड़ेगा। तो दिवाली के दिन हम लोग वन डे ऑफर लेके आएंगे, तो सारे लोग अपनी सीट दिवाली के दिन या दिवाली के एक दिन पहले कंफर्म कर लेना। वी वुड अनाउंस इट वेरी सून। हम तीनों ग्रुप में अपीयर होते हैं, तो उसका जो क्लास है वो कब तक फिनिश हो जाएगा? हम लोग ये डेट में मतलब ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि हम लोग आपका जो सिलेबस है मैक्स टू मैक्स 25 अप्रैल तक खत्म कर देंगे, मैक्स टू मैक्स बोल रहा हूँ। जी सर, थैंक यू। ठीक है, ऑल द मॉड्यूल्स यानी मार्च के एंड तक ही होना चाहिए, बट 25 डेज हमने ग्रेस रखे हैं, बट बाय द एंड ऑफ मार्च डेफिनेटली 80-90% कंप्लीट हो जाएगा। जी शुभांगी प्लीज बोलिए बेटा। सर मुझे पूछना है कि क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, लाइक टाइमिंग्स क्या होंगी क्लासेस के? 12th नवंबर से क्लासेस शुरू होंगी और लाइक टाइमिंग जो होगी 7:30 से लेके 4:30 तक की होगी। तो वंस एक बार हम लोगों के एडमिशन शुरू होते हैं तो क्रिएट अ व्हाट्सएप ग्रुप ऑन दिवाली के नेक्स्ट डे इटसेल्फ, दिवाली को आप, और आप सब लोग एडमिशन दिवाली को या दिवाली के एक दिन पहले ले लीजिएगा। तो हम लोग वो ऑफर लाएंगे जो प्राइस हमने आपको बताया उससे भी हम थोड़ा सा प्राइस कम करेंगे, और इसमें हम लोग एक और अच्छा इंस्टॉलमेंट प्लान भी हम लेके आएंगे, तो उसके हिसाब से आप एडमिशन लीजिएगा। तो एडमिशन के नेक्स्ट डे हम ग्रुप क्रिएट कर देंगे और उसमें आप पूरा शेड्यूल शेयर कर देंगे कि 12 नवंबर से क्लास का शेड्यूल कैसा रहेगा। ओके सर, सर में दो मॉड्यूल की क्या फीस रहेगी सर? देखो बेनिफिट आपको तब मिलेगा जब आप तीनों मॉड्यूल लेंगे, बट दो मॉड्यूल भी आप लेंगे तो दैट डिफरेंस नहीं आएगा, अराउंड 17 के आसपास आएगा। सर मैं तीन का सोच रही थी बट अभी आप लोगों के गाइडेंस से मैंने दो कर दिया। I'm so grateful to you both, sir. Thank you very much. Okay, sir. Sir, actually, I'm planning to take first and second module in June. What do you suggest about that, sir? अगर आप first और third का सोचो, second का सोचो, कोई दिक्कत नहीं. You can always go ahead. Like we said, कि second and third is good combination. But ठीक है, आप अगर first और second का भी सोचो, there is no problem. But whatever you are doing, do it sincerely कि मुझे करना ही है खत्म कैसे भी करके। Yeah, sir. Thank you, sir. Yes, beta, welcome. So I think have we resolved all the doubts? अच्छा एक आर्टिकल, अब वो एक आपसे लास्ट क्वेश्चन, बच्चों को आर्टिकलशिप कब शुरू करनी है? After clearing professional. That goes without any exception. See, exceptions are there. Means this I am saying as a general rule. कि my suggestion is always कि तीनों ग्रुप एक साथ दो, एक साथ क्लियर कर लो और उसके बाद ही आर्टिकलशिप चालू करो। मीन्स ऐसे भी हो सकता है that you appear for exam, next day you start your office, that is fine. But मैंने जितना देखा है कि the people who think कि आर्टिकलशिप अभी शुरू करते हैं साथ में ही पढ़ाई करेंगे तो उनका प्रेशर थोड़ा ज्यादा रहता है। So if you think that you are able to manage things well, if you have planned it quite well, you have grace days for any unforeseen exigencies, तो ऐसे केस में like you can take any decision which you think is good for you. But my suggestion will be कि professional खत्म कर दो, बाद में articleship ले लो, that will be easier. That goes well. So I think we have resolved on everything और अपना जो planning है। जी जी please बोलिए। Sir जो recorded lectures होंगे फिर उसमें doubt solving के लिए कैसे approach कर पाएंगे? WhatsApp और group बनेगा अपना तो group में। हाँ sir please बोलिए। हाँ sir, अपन ने वैसे भी we are going to meet twice in a month through Zoom meet. तो उसमें भी आप रेज कर सकते हो या इमीडिएटली डायरेक्टली फैकल्टी से व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट करके या फोन करके यू कैन गेट द क्वेरीज रिजॉल्व। ओके सर, ओके, थैंक यू। जी नवल जी कुछ बोल रहे हैं आप? जी सर, लास्ट क्वेश्चन फिर से पूछ रहा हूँ कि जी सर अपना जो क्लास होगा वो लेटेस्ट ही होगा ना, क्योंकि कई बार क्या होता है क्लास
की फीस देने के बाद पता चलता है कि वो रिकॉर्डेड लेक्चर काफी पुराने हैं, इसलिए हेलो सुभान सर आप हैं? हाँ सर अभी आवाज आ रही है मुझे, बोलिए सर। नवल का क्वेश्चन है, शायद उसका कुछ एक्सपीरियंस खराब रहा कि सर मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम क्लास ले लेते हैं और हमको पुराने लेक्चर मिल जाते हैं, तो वैसा तो नहीं बेटा? नहीं बेटा देखो, हमारी साइड से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। रीजन बिंग हम आप अगर शायद एग्जीक्यूटिव से हमें हमसे पढ़े होंगे या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन हम तो दो दो तीन तीन बार पढ़ाने में विश्वास करते हैं एक अटेम्प्ट के लिए। पहले रिवीजन बैचेस में पढ़ाते हैं, उसके बाद फास्ट ट्रैक बैचेस में पढ़ाते हैं, उसके बाद बहुत सारे सेशंस, लाइव सेशंस, राइटिंग, आंसर राइटिंग टेक्निक्स, पास्ट एग्जामिनेशन, क्वेश्चन सॉल्विंग। तो ऐसे हमारी यानी लोगों के यहाँ जनरली एक लाइव बैच नहीं मिलती, हमारे यहाँ दो दो एक ही एग्जाम की दो दो तीन तीन बैचेस हो जाती है। जी सर, दैट वोंट बी अ प्रॉब्लम, आप बोर हो जाओगे हमसे पढ़ पढ़ के बेटा, इतना पढ़ाते हैं। नहीं सर, मुझे एक बात आपकी बात नहीं कर रहा था सर, मैं दूसरी फैकल्टी की बात कर रहा था। नहीं, अरे मैंने बस एग्जांपल के तौर पे बताया है बेटा। जी सर, थैंक यू सर। यानी यहाँ पे हम बहुत ज्यादा पढ़ाते हैं, रादर हमारे कुछ लाइव सेशन के भी बच्चे यहाँ पे मौजूद है, चाहिए तो आप उनसे भी डायरेक्टली बात कर सकते हैं। ग्रुप में ऐड होने के बाद नंबर तो आप एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर ही लोगे। दीवांशु है यहाँ पे, आपने बता दिया सर। यस यस बेटा, यस यस यस। सर जी भैया। हाँ सर, जस्ट ऑन अ क्यूरियस नोट, आई वांट टू नो व्हिच इज द इजीएस्ट मॉड्यूल सर कंपैरेटिवली, so that I can keep it for last. That would be very beta, it is my module, module 2. Module 2 beta, I'll answer beta, it's module 2. Okay sir. Thank module, you sir. Module 2 is quite a lot easier. So. Module 2 is easy because Sopan sir has two subjects in that. So and you know he takes any subject with a great passion, and one subject and one subject is with Kalpak sir. तो कल्पक सर भी बहुत यंग है, ही टीच विद लॉट ऑफ एनर्जी, आप मतलब उनकी एनर्जी देख के पागल हो जाएंगे, तो मजा ही आ जाएगा आपको कल्पक सर से ही पढ़ के। कल्पक सर जरा बच्चों को बताइए सर, अपनी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है सीडी के लिए? नहीं, अब हम लोग काफी सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ही देखेंगे, ठीक है, और लर्न करने की जगह वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स होंगे, इसलिए इतना कुछ ऐसा नहीं होगा कि बहुत थियोरी हो रहा है सर, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और मेरा एक चीज है कि मैं हर लेक्चर में पिछले लेक्चर का थोड़ा रिवाइज भी करवाता हूँ, मतलब पूरा एक शॉर्ट रिवीजन लेता हूँ, तो हम लोग की रोज थोड़ी थोड़ी रिवीजन होते जाएगी, एवरी चैप्टर के बाद रिवीजन होगी। सो मुझे नहीं लगता है कि इतना हेक्टिक जाएगा, इट विल बी ऑल गुड, एंड ये ग्रुप सी एस के भरोसे पे सारे सी ए है। टेंशन मत लो बच्चों, हो जाएगा मस्त एकदम, वी विल डू इट। थैंक यू सर। और कल्पक सर के साथ आपको प्रैक्टिकली पढ़ने में बहुत मजा आएगा, बिकॉज़ ही इज ऑलरेडी डीलिंग इनटू सम कॉर्पोरेट केसेस, एंड द अदर थिंग इज दैट कि सर का पढ़ाने का जो तरीका है, अगर आप सर के इकोनॉमिक्स के लेक्चर देखो या फिर एग्जीक्यूटिव के लेक्चर देखो, सर हर एक चीज फिंगर टिप्स पे करवा देते हैं, लाइक ही विल मेक यू रिमेम्बर ऑल द पॉइंट्स, क्योंकि डिस्प्यूट्स में ना लंबे पॉइंट्स है, 11-11 points, 12-12 points, 15-15 points. So he'll make you remember everything. So that goes best. And Supan sir ka to aapko pata hi hai. Yes, Shubhangi ji, please boliye. So, मुझे pre-test series के बारे में बात करनी सर। सर हमने executive में भी कुछ pre-examination दिए थे, तो सर वो भी qualify करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल प्री एग्जामिनेशन आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा और आपको मेल आएगा आईसीएसआई से उस बाबत, टेंशन ही मत लीजिए। अच्छा सर, लास्ट क्या है डेट उसके लिए? बेटा वो तो मुझे नहीं पता, बट आपको मेल आएगा आईसीएसआई से, बहुत जल्दी आ जाएगा। अच्छा, तो सर अभी कोई मतलब अभी कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है ना, वैसे अभी स्टार्ट नहीं किया सर? बिल्कुल भी जल्दबाजी, प्री एग्जाम, प्री एग्जाम आपको रिजल्ट के सॉरी एग्जाम फॉर्म भरने से पहले क्लियर करना है, तो एग्जाम फॉर्म जब कभी भरने की मंशा रखोगे आप, तब आपको वो भरना यानी प्री एग्जाम क्लियर करना है। ओके सर, तो दिसंबर, हां दिसंबर जैन के आसपास एग्जाम फॉर्म सर भरने पड़ेंगे, तो तब तक का टाइम तो है। मार्च
फेब मार्च ओके सर फेब मार्च में बेटा चलो थैंक यू सर थैंक यू सर ओके बेटा चलेगा सो आई थिंक वी शुड एंड इट यस यस सर एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली आई थिंक वी हैव कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग किसी को कुछ क्वेरी है तो प्लीज डू रेज सर टैक्स कैसा है सर प्रोफेशनल अरे टैक्स बहुत मजेदार है इसमें अपन ना रिटर्न फाइलिंग वगैरह भी सीखने वाले जीएसटी बहुत ज्यादा सीखेंगे इनफैक्ट जीएसटी के रिटर्न जीएसटी के यानी एनुअल रिटर्न भरने तक अपन काबिल बनेंगे सीएस प्रोफेशनल में अच्छा ना जीएसटी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है हेलो सोपन सर कमाना भी शुरू कर सकते हाँ बोलिए सर एक्चुअली जस्ट लाइक एग्जीक्यूटिव सीएस प्रोफेशनल के टैक्स के कुछ रिवीजन लेक्चर्स होंगे सर एग्जाम से पहले बिल्कुल बिल्कुल होंगे ना रिवीजन लेक्चर्स होंगे ना रिवीजन लेक्चर्स होंगे जिसमें मैं पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन कवर करूंगा ओके सो कब होते हैं सर फिर उसका नोटिफिकेशन कुछ आएगा यानी अरे बेटा आप अपने आप में ही होंगे डायरेक्टली अगर आप क्यों टेंशन ले रहे हो बेटा ओके सर थैंक यू सो मच आपको हम बांग्लादेश भेजने वाले नहीं है कि हम आपसे साल में एक आध बार बात करेंगे और इनफैक्ट आप सब लोग मुझे जानते हो कि किसी टीचर का फोन उठे ना उठे मेरा फोन हमेशा उठता है यस सर तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए उस चीज के लिए और डीटर दिन में एक बार तो YouTube पे पक्का आता है और अपन की और हमारी बजानी तो बहुत आसान है हम तो YouTube पे मेरे ख्याल से मेरे दोस्त लोग मेरे माँ बाप तो मेरे को यही बोलते हैं भाई तेरा फोन नहीं लग रहा हम YouTube पे ही देख लेते तेरे को यस डीजे सर दिन में एक बार तो मिनिमम आएंगे YouTube पे तो हमारी तो अगर हम फोन ना उठाए डायरेक्टली बच्चे टाइप होते सर क्या है आप फोन नहीं उठा रहे हो आप मेरा रिप्लाई नहीं कर रहे हो मैंने प्रोफेशनल क्लास लिया आप टेक्स्ट का रिव्यू नहीं ले रहे हो सो इट बिकम्स वेरी इजियर लाइक यू नो इन द एज ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सो आई थिंक वी शुड रिजॉल्व मेरे ख्याल से भागना चाहिए अभी क्योंकि कल सुबह 4 बजे उठना है और देख लो सी एस ये लोग कर रहे हैं बट रूटीन में और सुपान सर कल्पक सर अमुक सर फॉलो कर दिए कोई छुट्टी नहीं एग्जैक्टली सो अमुक सर मेनी 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 थैंक्स कल्पक सर बहुत 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 धन्यवाद सर आपको ही थैंक यू अरे सर क्या बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद और अगर इसके बावजूद कोई डाउट आता है तो मेरा नंबर आप लोग के साथ पास है कल्पक सर और अमुक सर का नंबर भी हम जल्दी शेयर कर देंगे so definitely we can so sorry one last thing ask so abhi recently matlab abhi jab tak hum admission nahi lete professional classes ke liye tab to koi classes nahi hai na matlab hame seedha abhi admission ke baad milna hoga na yes apan 12 november ko milenge beta aur wo bhi dekhiye hum log kya बीच में वो दिवाली है दिवाली के लिए 4-5 दिन की छुट्टी दो और अभी क्या बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो आधे मन से पढ़ रहे हैं बिकॉज़ सब फेस्टिव मूड है तो वी विल स्टार्ट विद 12th नवंबर ओनली ओके सर बट सर प्रायर टू दैट व्हाट आई फील इज दैट जो जो बच्चे हैं अभी तो वो अगर यानी एक यानी मैसेज भेजते हैं और उनका एक अपन व्हाट्सएप ग्रुप बना देते हैं तो इनके ग्रुप में अपन डायरेक्टली मैसेज कन्वे कर पाएंगे यानी कोई ऑफर वगैरह अपन दिवाली में लाने की सोच रहे हैं तो डायरेक्ट मैसेज उनको मिल जाएगा So, उनका कुछ WhatsApp का ग्रुप बना सकते हैं अपन डेफिनेटली वी कैन मेक अ ग्रुप तो बच्चों आप सब एक काम कीजिए हम लोग ऑफिस के नंबर पे ही अपन ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं तो 4 times 8 371 371 पे आप अपना नाम प्लस आप ये लिख दीजिएगा कि हम सीएस प्रोफेशनल के हैं और उसमें जून दिसंबर 2022 लिख दीजिएगा तो वी क्रिएट अ ग्रुप और इस ग्रुप में हम सारे टीचर्स को भी ऐड कर देंगे और सब कुछ कर देंगे तो कल ही ये ग्रुप बना देंगे आप ठीक है सर आप रिपीट कर देंगे आपने क्या बोला अभी मैंने टाइप किया हुआ है आई हैव टाइप एक मिनट एक मिनट बेटा जस्ट आई एम टाइपिंग आई थिंक नाउ एवरीवन वुड हैव रिसीव्ड नहीं सर नहीं आया नहीं सर कहां पे टाइप करूं यार एक बार टाइप कर देना 4 times 8 371 371 सर एक सेकंड 4 times 8 371 371 371
दिव्यांशु ने भेज दिया ना मैसेज 8883731371 याद हो गया इतना देर में तो बिल्कुल बिल्कुल अभी तो याद होना ही चाहिए आई थिंक वी हैव रिजॉल्व दिव्यांशु वो नंबर पे सर हाँ दिव्यांशु मोबाइल पे जितने नंबर है उतना स्टार्टिंग पैकेज होना चाहिए सर वो तो मेरा हाँ हाँ सर चलो भाई चलो मिलते हैं यस यस थैंक यू सर थैंक यू गुड नाइट एवरीवन थैंक यू सर बाय बाय ऑल बाय बाय गुड नाइट दोनों बेटियां दरवाजे के पास थैंक यू सर थैंक यू चलो बाय अमोक सर थैंक यू कल्पक सर थैंक यू अमोक सर थैंक यू अमोक सर थैंक यू बच्चों एवरीवन थैंक यू सो मच गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट सर